इसी विद्यालय के दशरथ मांझी के गांव के विद्यालय की ये लोग रसोईया है, जो विद्यालय अभी ये बंद रहता है, नहीं चलता है, तो इन लोगों को यहां से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है चल के, और ये बहुत बिजी रोड है। और आज ये लोग बता रहे थे कि एक रसोईया का एक्सीडेंट भी हो गया था, ये बात इनसे ही समझेंगे। आप कितना दूर जाते हैं यहाँ पे विद्यालय नहीं चलता है तो रसोई बनाने के लिए? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के पैदल पैदल जाते हैं, रोज आते हैं। आप लोगों के साथ कभी घटना दुर्घटना हो जाएगा तब? घटना एगो के हो गया रसोईया के, आज क्या हुआ? हो गया, गोड़ में धक्का लग गया, तो ये सब छोला के रह गया। ये सब गोड़ में धक्का लगने के बाद छोला के रह गया? छिलाल है, ये सब छिलाल है, हाथ के होने छिलाल है। आज हो गया? आज हो गया। हाँ। अब ये बताइए कि यहाँ पे इन लोग विद्यालय बंद है तो इन लोगों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है और अपना जान जोखिम में डाल के ये लोग जाती है, और जबकि इनमें से एक रसोईया का एक्सीडेंट हो गया आज धक्का लग के, जिनका हाथ पैर छिला गया है और वो आज परेशानी में है, सही है ना? हाँ सही है सर, हम झूठ बोलते हैं का? तो यहाँ के जितने भी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और जो हमारी सरकार है, उनसे मांग रहेगा कि अरे महाराज आप लोग कहाँ सोए हैं, इन गरीबों का दर्द नहीं दिखता है, ये चचिया ककिया का दर्द आप लोगों को नहीं दिखता है, अरे इनका दर्दवा थोड़ा महाराज समझिए और कोनो व्यवस्था करिए। तो इधर दशरथ मांझी के गाँव का ये स्कूल है, विद्यालय है, इसको महाराज सही सलामत आप लोग चलवाइए ताकि इन लोगों को और यहाँ के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को सामना ना करना पड़े कठिनाइयों का, सही बोले ना? सही है सर। तनी लोग बच्चन नहीं जाने जाता है पढ़ने के लिए कि नहीं जाएंगे दशरथ नगर, बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, हम लोग नहीं जाएंगे पढ़े ला, तो बच्चन तो सब हो गया बिना शिक्षा के हो गया। आखिर इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो 2-3 किलोमीटर पैदल नहीं जा पाएंगे और उनके वजह से पढ़ाई ये लोग छोड़ रहे हैं, इनके घर के बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे, ये विद्यालय बस चालू कर दिया जाए। यहाँ के जो विधायक है, मुखिया जी है, उनसे निवेदन रहेगा कि ये लोग लग और अपना सोर्स पैर भी लगा के जो भी करके, उनका काम है ये जनता का सेवा करना, आप लोग जनता का सेवा करिए, ये विद्यालय चालू कराइए, नहीं कि अपने घर में बैठ के एसी और कूलर का हवा खाइए, खाइए खाते रहिए आप लोग, और क्या करना है? महाराज अब जनता की सेवा करने की बात कर रहे हैं, घर बैठे मेवा मिल रहा है तो सेवा करने की आवश्यकता क्या है? तो सेवा करना कर रहे हैं 1500 रुपया में, मानवता इसको कहते हैं, 1500 रुपया में ये गरीब लोग हैं और गरीब लोग 1500 में बच्चों को खाना खिला कर के, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को खिला करके पेट भरते हैं और बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो फिर सेवा और मेवा दोनों एक साथ कैसे? अच्छा आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? 1500 मिलता है, 1650 मिलता था, तो ये घड़ी 1600 मिलता है, 50 रुपया कटता है। अच्छा 1550 रुपया मिलता है? मिलता है। वो भी हर महीने समय से मिल जाता है? नहीं सर समय से नहीं मिलता, 3-4 महीना। अरे महाराज जी बताइए, आप लोगों को जो नेता मंत्री है, आप लोगों को अगर 1500 रुपया के लिए 3 किलोमीटर पैदल बोल दिया जाए कि आप रोज आइए और जाइए, तो क्या आप लोग जाएंगे? आप लोगों को 1.5 लाख रुपया दिया जाता है तब आप लोग संसद भवन तो राज्यसभा में जाके और चिल्लाते हैं उबिकावन चीज से, टाटा सफारी, ना ना गलती बोल दिए, टाटा सफारी से तो आप लोग एकदम नहीं जाते, वो इसलिए कि वो अपने देश का प्रोडक्ट है ना, तो आप लोग तो अपने देश का जो इकोनॉमिक्स है इसको तो बढ़ाएंगे नहीं, इसको तो आप लोग बढ़ावा देंगे नहीं, तो आप लोग फॉर्चूनर से जाते हैं और फॉर्चूनर से सीधे जाएंगे और लोकसभा राज्यसभा में जाके और चिल्ला के आ जाएंगे, वो भी 1.5 लाख रुपया दिया जाता है तब, और ये लोग 1500 रुपया में पैदल जाती है 3 किलोमीटर बच्चों को खिचड़ी बनाने के लिए, जो अपना बच्चन के खिला के हम भोरे से भूखा है, हम आते हैं इस घड़ी 600 बच्चों का खाना बनाना पड़ता है इन लोगों को उस विद्यालय में। अब आप लोग ये बता दीजिए, क्या ये विद्यालय खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आप लोग बताइए, क्या यहाँ के नेता मंत्री विधायक सांसद मुखिया को ये विद्यालय शुरू करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? आप लोग ये बताइए बस, और यहाँ से हमारा प्रयास कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय हिंद।